चंडीगढ़ से आ रही है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। दिल्ली में जो हिंसा हुई, दिल्ली हिंसा को लेकर विवादित बयान उनके द्वारा दिया गया है। यहां पर बिजली मंत्री कहते हैं कि दंगे तो होते रहते हैं, 1984 में भी दंगे हुए थे, दंगों को उन्होंने जिंदगी का हिस्सा बता डाला। रणजीत चौटाला बिजली मंत्री, गैर जिम्मेदाराना बयान उनका बता रहे हैं आपको, और इस मामले को उन्होंने देश का नहीं बल्कि सिर्फ दिल्ली का मामला बता दिया है। सोचिए किस तरीके के बयान अब ये मंत्री साहब दे रहे हैं। इस बयान को अब कैसे लिया जाए, कैसे समझा जाए। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला हालांकि इससे पहले भी कई विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर चुके हैं, कई इससे पहले विवादित बयान वो दे चुके हैं जिसको लेकर विवाद पैदा हुआ था। जरा आपको सुना देते हैं मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, फिर इस बात को लेकर आगे बात करेंगे। दंगे तो होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो पूरी दिल्ली जलती रही, ऐसा नहीं है कि एक तो पार्ट ऑफ लाइफ है जो होते रहते हैं। दंगे तो होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो पूरी दिल्ली जलती रही, ऐसा नहीं है कि एक तो पार्ट ऑफ लाइफ है जो होते रहते हैं। तो दंगे होना या ना होना कोई बड़ी बात लग नहीं रहा मंत्री जी के बयान से। रणजीत चौटाला ये कह रहे हैं कि इंदिरा जी के समय में भी दंगे हुए थे, 1984 में भी दंगे हुए थे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, दिल्ली हिंसा को लेकर बिजली मंत्री कह रहे हैं कि दंगे तो होते रहते हैं, दंगे जिंदगी का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अभी इसके बयान को कैसे हम समझे, कैसे ले? देखिए, बिजली मंत्री जी से किसने क्या पूछा, उन्होंने किस संदर्भ में किस तरह प्रतिक्रिया दी, इसको तो उसका मूल उनका बयान नहीं, संदर्भ कुछ भी हो, प्रतिक्रिया तो यही आई है ना उनकी। टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। लेकिन दंगे कहीं भी हो, कभी भी हो, वो दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें वो होती हैं, जीवन का हिस्सा भी है वो, इस बात से कौन इनकार कर देगा। तो जीवन का हिस्सा लेकर उसके साथ ही चलते रहे, क्या समझे इसको? आप कह रहे हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अगर वीरेंद्र जी मेरा पहले सवाल सुनिए। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर उन्होंने ये बात कही, उनसे सवाल पूछा गया दिल्ली हिंसा को लेकर, ये दिल्ली का मामला है वो ये कहते हुए नजर आए, मतलब अगर दिल्ली जल रही है तो सिर्फ वो दिल्ली तक सीमित रहेगा क्या? दंगा तो दंगा होता है, वो हमारा पार्ट का हिस्सा कैसे हो सकता है, जिंदगी का हिस्सा कैसे मान ले उसको हम? अच्छा, जीवन में जो हादसे होते हैं, व्यक्तिगत जीवन में या समाज जीवन में, हादसे और दंगों में फर्क नहीं है? आप अगर आप सुनने का आपका मन नहीं है, आपने कुछ पूर्वाग्रह बना लिया तो उसका तो कोई उत्तर नहीं है। मैं उत्तर देना चाह रहा हूँ, आपको सुनना चाहिए अगर आप मुझसे। जी जी, बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है इसको सही संदर्भ में देखना चाहिए। मुझे वास्तव में, मैंने पहले कहा बड़ी विनम्रता से, क्योंकि मैंने मूल बयान नहीं देखा कि किस संदर्भ में पूछा किसने नहीं, लेकिन जितना आप कह रहे हैं उस पर मुझे ये कहना है कि ये कटु सत्य है कि दंगे हो, हादसे हो, जीवन में समाज जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन हो, उसका हिस्सा है ही, इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। हाँ, हादसे हो, दंगे हो, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए आप रहिए हमारे साथ, कांग्रेस की भी जरा प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। केवल ढींगरा जी, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला कह रहे हैं दंगे तो होते रहते हैं, 1984 में भी हुए थे, जिंदगी का हिस्सा है दंगे, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले? देखिए, ये ही बड़ी विडंबना है, जो ये सरकार है इसको ये समझना चाहिए कि हमारे जो सभी भाई हैं वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक हैं, और दंगे नहीं होने चाहिए, आपस में मिल बैठ के बात करनी चाहिए, आपस में मसलों को सुलझाना चाहिए। और सरकार जो है वो इस मामले में खुद सम्मिलित है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आप कपिल मिश्रा जी का बयान सुन लीजिए,
आप दूसरे नेताओं का बीजेपी के जितने लोग दिल्ली के अंदर है उनके बयान सुन लीजिए, वो सभी लोग जो है हमारी सभी धर्मों को तोड़वाने में जातियों नहीं, लेकिन यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं ना कि 1984 में भी तो दंगा हुआ था, दंगे तो जिंदगी का एक हिस्सा है, इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े दंगे हुए हैं। देखिए ये बीजेपी के लिए जो बात है ना, ये इनके लिए आम बात है, लेकिन ये असल में दंगा करवाना जो है ये जी बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने गुजरात में करवाए, जिस तरह से गोधरा देश के अंदर धर्मों में बांट रही है ये पार्टी, ये सारा देश जान रहा है। चलिए ठीक है ढींगरा साहब एक मिनट जवाब ले लेते हैं, यहाँ पर जवाब ले लेते हैं, जवाब जरूरी है। बीरेंद्र जी बोलिए। ढींगरा जी के लिए बहुत विनम्रता से कहूंगा, छाछ तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें सैकड़ों छेद। दिल्ली में हजारों सिखों का बेरहमी से कत्ल होने के बाद जिस पार्टी के उस दौर के मुखिया या प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो लोग मरते ही हैं, वो हमको भाषण दे रहे हैं, वो हमको उपदेश देना चाहते हैं। ढींगरा जी गिरेबान में झांकी आपने, देश को अराजकता में झोंकने की आज भी जो कोशिशें हो रही हैं उसके पीछे कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ है। ये भड़काने जाते हैं, गुमराह करने जाते हैं देश के मुसलमानों को कि जैसे उनकी नागरिकता मिल रही है CAA से। इन अनपढ़ को ये भी नहीं मालूम कि CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय नेता, उनके राष्ट्र के नेता वो जा करके और लोगों के बीच में कहते हैं तुम्हें तो निकाल दिया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता बीरेंद्र जी, ठीक है बीरेंद्र जी, दोनों की बातें मैंने सुनी। आपको नहीं लगता इस तरीके के मुद्दों को पॉलिटिकलाइज किया जाता है, इसी वजह से ये नौबत आ जाती है, ये चीजें दंगे में तब्दील हो जाती है। यहां पर इस तरीके के बयानों से सभी को बचना चाहिए, इतनी बड़ी हिंसा हो गई, लोगों ने इतना ज्यादा उपद्रव मचाया, हिंसात्मक चीजें वहां पर हुई, कम से कम ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे तो बहुत सोच समझ के अपने बयान अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, कम से कम इतना तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। सारे समाज को, सब वर्गों को संवेदनशीलता के साथ ही चलना होगा। पहले दिन से सरकार लगातार लोगों को सब माध्यमों से समझाने की कोशिश कर रही है कि CAA का विरोध वो गैर कानूनी है, CAA का विरोध असंवैधानिक है, और कांग्रेस और दूसरे विपक्ष के लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अब दंगा भड़काने वाले जिन्होंने लोगों को गुमराह किया केवल ढींगरा जी, यहाँ पर आरोप कांग्रेस पर लग रहा है कि पहले भड़काया इन सब चीजों को और उसके बाद पीछे हट गई, बड़ा गंभीर आरोप लगातार कांग्रेस पर लग रहा है इस पर राजनीति करने का। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक कटाक्ष किया था जो गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनको ये कहा था कि इनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। वो कौन थे मुख्यमंत्री उस समय जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है? और ये बात हमने नहीं कही, ये पूर्व प्रधानमंत्री बीजेपी के सर पुराने बयानों को लेकर या पुराने दंगों को लेकर, पुराने हादसों को लेकर क्या हम आज की राजनीति कर सकते हैं क्या? अभी तो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ हमें उस पर बात करनी होगी, दिल्ली को जलाया किसने, कौन साजिश करता है, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। जिनके ऊपर कटाक्ष किया गया था मैम, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के ऊपर बात कही गई थी उस समय कि उनको, देखिए मेरा आप दोनों से सीधी सी सवाल और सीधा सा बात है, उस समय क्या हुआ था, आप इन मसलों को राजधर्म का पालन अभी करना चाहिए। अगर इस तरह के दंगे फैलवाएंगे तो ये बीजेपी के बयान, देखिए आप लोगों की बयानबाजी अभी भी खत्म नहीं हो रही, अभी भी आप लोगों की बयानबाजी इस तरीके की हो रही है। बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ, इनको शांति, किसी को भी किसी को भी बाहर आना चाहिए, और ये दंगे फैलवाने से बाहर आना चाहिए, और इस बात के लिए बिल्कुल लगाम लगानी चाहिए कि हमारा देश सभी धर्मों का है, इसमें कोई भी दंगा इनको नहीं करवाना चाहिए। किसी को भी, किसी भी विचारधारा के व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, किसी को सड़कें जाम करने का हक नहीं है, किसी को हिंसा और तोड़फोड़ करने का हक नहीं है, और उस किसी में कांग्रेस की लीडरशिप भी शामिल है, उनको देश के मुसलमानों को गुमराह करने का अधिकार नहीं है, वे गैर कानूनी काम कर रहे हैं। दिल्ली को आज की स्थिति में लाने में बहुत बड़ी भूमिका कांग्रेस की लीडरशिप की है, और उसके बाद नंबर आता है कि आप उन लोगों को समझाते क्यों नहीं, आप लोग उल्टे बयान क्यों देते हो? कपिल मिश्रा जैसे लोग जो है आपके बीजेपी के,
देखिए आप दोनों से एक अपील है इस तरीके के, अभी इतना ज्यादा जो मैटर चल रहा है कम से कम उस पर तो आप लोगों को अपील करनी चाहिए शांति बनाए रखने की, ना कि दंगे तो होते रहते हैं या फिर दंगे जिंदगी का हिस्सा हैं, इनको जिंदगी का हिस्सा ना बने जनाब। उन लोगों से जरा पूछिए दिल्ली में जाकर जिनके जिंदगी पर गुजरी है, जिनका कोई गुजरा है उनसे जरा पूछिए, उसके बाद इनको जिंदगी का हिस्सा बनाइएगा। बहरहाल शुक्रिया, समय का अभाव है मेरे पास। केवल ढिंगरा जी शुक्रिया, प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया।